नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें। सबसे बड़ी बात तो फिल्म आपको अपने प्रदेश की अपनी मिट्टी की फिल्म लगती है। जमाई राजा एक ऐसा शब्द है जो बहुत हमारी लाइफ से हमारे से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा रिश्ता जिसको हम भगवान मानते हैं। उस ससुर दामाद और उस तरीके से एक बड़ा अच्छा ताना माना है फिल्म को और अच्छा रिस्पॉन्स मिलना था। काजल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? जैसे कि सर ने कहा, सेम वही चीज़ है कि बहुत ही खुशी की बात है, हमारी फिल्म को इतना पब्लिक अप्रिशिएट कर रही है और बस उम्मीद करते हैं कि और अच्छी लगेगी। जमाई राजा बनाने में आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी? बहुत मशक्कत करनी थी, गाँव गाँव घूमना पड़ा हमें जमाई ढूंढने के लिए, क्योंकि हमें ऐसा जमाई चाहिए था जो हमारे हिसाब से चले और घर जमाई बन के रहे, तो बहुत मुश्किल से खोजा हमने उसको। अंत में जमाई राजा को आपने इनके प्लान को फेल कर देती हैं? नहीं, फेल तो नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसी ये चीज़ दिखाई गई है कि जो सबको जोड़ के रखे, जो नॉर्मल लाइफ में होता है उन्हीं से पता सा जाता है जब रिलेशन में, लेकिन फिल्म में बहुत ही अच्छा महसूस दिया गया है कि आप फैमिली हो, आपको जो है अच्छे से प्यार से। संजय जी के साथ काम करके कैसे लगा? सर के साथ तो हमेशा ही बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, जब मेरी पहली फिल्म थी वो भी सर के साथ थी, सपूत। हाँ, और बहुत मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने मिलती जब भी आप अच्छे कलाकारों के साथ काम करते हैं, और उस वक्त तो मैं बहुत ही छोटी थी और सर काफ़ी मुझे गाइड करते थे कि ये चीज़ ऐसी, और आज भी बहुत ही हेल्पफुल नेचर है सर का, तो जब भी मैं सर के साथ करती हूँ काम तो मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखने मिलता है, और बस मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी सर के साथ काम करने का मौका मिलता है। संजय जी, फिल्म के डायरेक्टर जो हैं प्रोड्यूसर से डायरेक्टर बने हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? नहीं, वो एक मतलब उनके साथ मेरी एज ए प्रोड्यूसर दूसरी फिल्म है, एज ए डायरेक्टर पहली फिल्म है। इसके पहले भी हमारा एसोसिएशन, हम फिल्म कर चुके हैं, यूपी में शूट किया है, ये मोहब्बत है रवि किशन के उसमें, और एक अच्छा एक्सपीरियंस था, एक अच्छा माहौल रहता है, क्योंकि वो खुद बहुत हंसमुख नेचर के हैं, तो कोई ऐसा टेंस माहौल नहीं रहता, और छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो बहुत हंस के निकाल देते हैं। तो जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपका रिलैक्स है तो पूरी टीम बहुत रिलैक्स होती है, और एक अच्छा टारगेट था एक अच्छी फिल्म बनाना, और ये बहुत
काबिल तारीफ बात है कि फिल्म को प्रॉपर टाइम पे बना के इन्होंने प्रॉपर टाइम पे रिलीज़ किया। बहुत सारी फिल्में हम मेहनत तो करते हैं, पता चलता है फिल्म लटकी हुई है, अटकी हुई है, तो बहुत दुख होता है कि हमारी मेहनत बेकार है। इस फिल्म में ऐसा नहीं है, प्रॉपर टाइम पे इन्होंने जमाई रिलीज़ की, इस बात के लिए ये बधाई की बात। अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर में कितना एक्टर भी है इस फिल्म में, ये आपको नहीं पता है, अरुण जी है और ये नई एंट्री है इस फिल्म में, तो ये इन लोगों का पेयर है और अरुण जी ने एक्टिंग भी की है, नॉट ओनली डायरेक्शन। तो एक बहुत जिसे कहते हैं ना बड़ा मसालेदार फिल्म, जिसमें आपको सारे फ्लेवर मिलते हैं, कॉमेडी का तड़का है, इमोशन है, रोमांस है, रोमांस और सॉन्ग और सारी चीज़ें। और काजल ने एज एन एक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। फिल्म दर फिल्म, फर्स्ट फिल्म सपूत से लेकर और जमाए राजा तक, ये मुझे फिल्म दर फिल्म मैच्योर होती नज़र आ रही है, जो भोजपुरी सिनेमा के लिए अच्छा है कि एक खूबसूरत और टैलेंटेड हीरोइन भोजपुरी में मिल रही है। तो जमाए राजा कंप्लीट सिनेमा है। जो जमाए राजा की भूमिका में है प्रमोद प्रेम यादव जी, उनके बारे में क्या? प्रमोद के साथ पहले भी फिल्में की, प्रमोद भी बहुत सेंसिबल एक्टर है, सिंगर तो बहुत अच्छे हैं, हिट सिंगर है, उसके साथ साथ एज एन एक्टर भी उन्होंने इस फिल्म में बहुत ही ईमानदारी से काम किया है, जो आपको पर्दे पर दिखेगा, बहुत मेहनत की है। काजल जी आप क्या कहना चाहते हैं प्रमोद प्रेमी जी और आपकी जो ये जोड़ी पहली बार है कि इससे पहले भी आपने? जी हमारी पहली बार है ये फिल्म, फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, और जबकि इससे पहले हम कभी कहीं हमारी मुलाकात भी नहीं हुई, हम जमाई राजा के सेट पे ही मिले थे, और बहुत अच्छे हैं नेचर में वो और सीखने की चाहत रखते हैं। जैसे मैं भी जब नई थी तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें मिल रही थी जैसे मैं उस वक्त सोचती थी और करने की कोशिश करती थी, और एक एक चीज़ें वो पूछते थे कि क्या चीज़ कैसी होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम साथ काम करते हैं तो एक दूसरे से पूछ के करें तो वो केमिस्ट्री जो स्क्रीन पे होती है बहुत अच्छी लगती है। तो बाई नेचर भी अच्छे हैं और एक्टर भी अच्छे हैं और उनके साथ मेरी जोड़ी भी अच्छी है। कोई सीन आपको प्रमोद जी का कोई सीन हो वाक्य शेयर करना चाहेंगे जिसमें कुछ कुछ हो? जी एक सीन था जब वो मैं घर से निकलती हूँ, तो वो सीन बहुत ही माइंड ब्लोइंग हुआ था, और वैसे सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन शायद मैं उस सेट पे सब सीनियर थे और मैं काफ़ी छोटी थी, बच्ची थी सबसे, तो उन्होंने आके स्पेशली मुझे हाँ क्या बोला, वाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था ना। वहाँ पे नीलम जी थी जो मेरी मामी बनी हुई, तो बोली कि हमने बहुत बुरा किया क्या, तो ये चीज़ मैं सोचती तो मुझे बहुत हंसी आती है। तो ये उनका मतलब वो इतना हो गए इस सीन में कि मतलब उनको बहुत अच्छा लगा और वो लिटरली आके मुझे हक किया कि बोले बहुत माइंड ब्लोइंग था। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है सोच के कि जब आप इतना अच्छा परफॉर्म करो और आपको सेट में लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, और संजय सर जैसे इतने अच्छे अच्छे कलाकार और इतने सीनियर आर्टिस्ट जब आपको अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर और एक्टर अरुण तिवारी जी की बात की जाए, एक्टर लगाना मत ये डर भी लग चुका है, डर लग चुका है। अरुण सर से तो मेरा घर जैसा रिलेशन है, और जब भी सर की फिल्म होगी सर के लिए अवेलेबल हूँ, और सर बहुत ही अच्छे नेचर में हैं और बहुत ही कैरियर हैं, सेट पे बहुत ही अच्छा माहौल होता था, सर बहुत ही अच्छे से हैंडल करते थे सारी टीम टेक्नीशियंस को, कहीं हमें ऐसा लगा नहीं कहीं कुछ आई बन, बहुत ही सॉफ्टली हमने काम किया और अच्छे टाइम पे हमने फिल्म कंप्लीट की और आज रिलीज की। जी अब चलते हैं अरुण जी के, बधाई कि एक साथ आपने तीन जिम्मेदारियां निभाई और तीनों जिम्मेदारियों में आप सफल रहे। मेरा बूम नहीं। और संजय पांडे जी ने बोला आप साथ टर लग जाने एक्टर डायरेक्टर तो इंजॉय मतलब टर वाला जो होता है कि फुल इंजॉय करते हैं हम लोग, बाकी ऐसा जो प्रोफेशन मेरा वो एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक ज़्यादा बेटर होगा, ये तो एक बस। लेकिन हम फिल्म देख रहे थे लवर बॉय के रूप में आप अच्छे लगे, और उसमें क्या है मतलब उसमें किसी और की गर्लफ्रेंड आप छीन लेते हैं। देखिए क्या है कि थोड़ा सा आज का जनरेशन कैसा है, हम जनरेशन पे भी कुछ थोड़ा सा ध्यान दें कि आज का जनरेशन किस तरह से चल रहा है, और जैसा कि आज मार्केट में भी फिल्में आ रही हैं कुछ इस टाइप की, तो बस एक हम थोड़ा सा एक छोटा सा उसमें एग्जाम्पल दें, बाकी कुछ ऐसा नहीं, और एक फिल्म कॉमेडी एक मूवी आती है, बाकी ऐसा लवर बॉय तो अभी अच्छा मतलब उसमें आपने दिखाया कि लड़कियां कैसे बेवकूफ़ ना लड़के कैसे चीटिंग करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं आज जो आज का यंग जनरेशन है कहीं ना कहीं उसकी सचूता नहीं है, तो मैं भी बता कि अभी कुछ फिल्में आ रही हैं आपको देखने को नई चीज़ें मिलेंगी मार्केट में कि किस तरह से चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों किस तरह से आज चल रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल डाल रहा हूँ,
और डांस नहीं आप एकदम नेचुरल नहीं नहीं बस वो कि कॉमेडी डांस है बाकी कुछ ऐसा नहीं है पूरा इंट्रोडक्शन है इनका फिल्म में ऐसा नहीं है लॉन्चिंग पैड है ये संजय जी काजल जी प्रमोद जी क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में देखिए मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि संजय जी या मतलब ये सब इतनी केमिस्ट्री जो हमारी बनेगी इतनी बेहतरीन बनेगी मैं तो कभी नहीं सोचा था मैं बहुत रेड बोलो किया था लेकिन बस संजय जी के बारे में तो जितना बोलना कम है मेरे लिए क्योंकि मैं एक हमारा इनका एक और पहले भी एक बात हुआ कि अगर कोई आर्टिस्ट नहीं है तो हम दूसरा सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन हम लोग कोई भी फिल्म बिना संजय जी के मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि जिस तरह से इन्होंने एक पर्सनल प्रोफेशनल के साथ में पर्सनल जो घूम किया जो अदा किया तो उसके बारे में तो कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास में तो हम ये बस यही चाहते हैं कि और काजल क्या तो बातचीत हुई हम लोग एकदम सब मतलब जितने लोग थे आज कहीं ना कहीं जो केमिस्ट्री हमारी बनी एक अच्छी खासी मतलब आर्टिस्ट सब सारे हमारे साथ कम्बाइन में जो जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं सब एक घर के जैसा माहौल ही मेरा रहा और सब एक अपने क्या खास कारण है जो प्रोड्यूसर से डायरेक्टर बन गए आप देखिए क्या होता है कि कहीं का जो आतंक है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कहीं ना इतना टॉर्चर हुए डायरेक्टर से इनको लगा अब ये जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी मुझे देखिए मैं एक बात बहुत ओपन करना चाहता हूँ अगर फिल्म इंडस्ट्री में खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में रहना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो आप इंडस्ट्री में बहुत दिन नहीं चल सकते हैं क्योंकि डायरेक्टरों का जो भी छोटी सी बात में संजय जी ने बोल दिया कि जो आतंक वाली बात तो कहीं ना कहीं उस आतंक से मैं बहुत पीड़ित हो चुका था तो मुझे वो कदम भी उठाना पड़ा कि कहीं ना कहीं अगर मुझे इंडस्ट्री में बने रहना है इंडस्ट्री में काम करने हैं तो मेरे को खुद को मेहनत करना पड़ेगा और एक्टर बनने एक्टर देखिए मैं बताता हूँ आपको एक्टर 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 बनने के जो है ये आज कहीं ना कहीं आपको शायद बिलीव नहीं हो पाएगा कि आज 1982 से मैं स्टेज पे जो छोटी छोटी जगह होती हैं वो मैं उसमें मैं जुड़ा रहा हूँ पहले एक्टर बनने के ही सस्का जा रहा था लेकिन दुर्भाग्य से बहुत समय लगा उसमें तो एक शौक है बस बाकी उसमें कुछ नहीं है ऐसा कंपलसरी नहीं है एक शौक है उस शौक में खाली अपना आप पूरा किया और बाकी मेरा जो मैं बताया आप जैसे पहले भी मुझे एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के रूप में ही अगर मुझे पहचान मिलेगी तो मुझे खुशी होगी बाद जमाई राजा बन गए जी अब तीसरा क्या करने वाले हैं देखिए तीसरा मोहब्बत हुई शादी हुई तो तलाक ही बचा हुआ है तीसरा धमाका भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है जो कि मुर्द वगैरह हो चुका है और बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर में हम लोग जा रहे हैं आपकी नायिका आपके साथ में खड़ी है देखिए नायिका देखिए अभी ये जाने वाले आपकी नायिका दोनों साइड है तो एक एक परिवार है हमारा है एक परिवार की तरह हम हैं यहाँ पे और जब फिल्म में जाते हैं तो वहाँ से हम प्रोफेशनल अपना काम करते हैं तो वहाँ की चीज़ें अलग होती है जब हम एक साथ मिलते हैं एक परिवार की जैसा हम रहते हैं ये चीज़ें हैं कि नायिका का परिचय भी करवा दीजिए संगीता यादव जी संगीता यादव जी इनकी पहली मूवी थी जो कि इन्होंने बहुत अच्छा मेहनत किया उसमें काम किया और बस यही कि लोग अपना मेहनत करें काम पर आगे बढ़ें बस यही शुभकामना है फिल्म जो रिस्पॉन्स हो रहा है उसके बारे में क्या और इसके अलावा और कहाँ कहाँ रिलीज होगी जी फिल्म अभी गुजरात और बॉम्बे रिलीज हुई है गुजरात का रिपोर्ट हम देख तो नहीं पाए लेकिन वहाँ का भी थोड़ा अच्छा मिल रहा है और जो खासकर बॉम्बे का जो रिपोर्ट मिला है उस रिपोर्ट से तो मैं तो हकीकत में जेब तो कोई नहीं देखता लेकिन दुनिया जो देखती है उसे खुशी होती है कि कम से कम रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है जो पब्लिक का आशीर्वाद मिल रहा है जो हमारे जो ऑडियंस है जो उनको अच्छा लगा बस सबसे बड़ी खुशी मेरी यही है कि उनको अच्छा लगा मेरा काम सफल हो गया इस फिल्म को लेके ये मेरी पहली फिल्म थी और पहले मुझे लगता था पता नहीं मतलब लोग फिल्म वाले कैसे होते हैं कैसे काम करते हैं इनका नेचर कैसा होता है जब मैं सेट पर आई तो मतलब इतनी अच्छी फैमिली टाइप के लोग देख के मुझे बहुत खुशी हुई पहले बहुत मैं मतलब बहुत परेशान होती थी कि सेट पर जाने के बाद मेरा क्या रिएक्शन होगा उन लोगों के बीच में बट जब मैं सेट पर आई और संजय सर काजल ये सब अच्छे अच्छे एक्टर से मिली और लोगों के साथ मेरा एक फैमिली जैसा माहौल हो गया तो मुझे काम करने में काफ़ी कंफर्टेबल हुआ और जमाई राजा तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था तो मुझे लगा था कि पिक्चर शायद बहुत अच्छी जाएगी क्योंकि जिस तरीके से इसके अंदर स्टोरी है तो अब पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स देखने में खुश हो रही है तो इसमें एक्टिंग के अलावा और क्या क्या आपने भार संभाला था जिस तरह से अरुण जी ने कई भार संभाले हुए थे हाँ मैंने एक्टिंग के साथ साथ मैं सर के साथ में को प्रोड्यूसर थी इसके अंदर आगे भी कुछ और हाँ आगे भी मैं मतलब मेरा सपना है कि मुझे एक अच्छा एक्टर एक प्रोड्यूसर बनना है
संजय जी, काजल जी, प्रमोद जी, कितना सपोर्ट मिला आपको एक्टिंग करने में? बहुत सपोर्ट मिला था मुझे सर का, मतलब काजल जी का भी बहुत सपोर्ट मिला, संजय सर का सपोर्ट मिला, सब मतलब सब। मैं जाती थी जब कैमरे के सामने, मैं एकदम हैरस हो जाती थी कि यार कैसा होगा कैसा होगा, लेकिन वहाँ से सब मुझे ऐसा बिहेव करते थे, मतलब सब वहाँ से इशारे करते थे कूल कूल कूल, हो जाएगा, फिर आगे मुझे वो मोटिवेट करते थे कि इतना नहीं डरने का, हो जाता है, सब हो जाता है, मतलब अच्छा रहा। पहला दिन जब आपको कैमरा फेस करना था तो कितना नर्वस, कितना एक्साइटेड? काफ़ी, मतलब एक्साइटेड तो मैं बहुत पहले हुआ करती थी, जब मैं कैमरे के सामने आई तो पूरा एक्साइटमेंट मेरा निकल गया, तब मैं सिर्फ डरे जा रही हूँ कि मैं कैसे बोलूँगी, मतलब कैसा मेरा रिएक्शन होगा, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मुझे सब जन वहाँ पे बैठ के मुझे अच्छे से मोटिवेट कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं, हो जाएगा। तो पहला सीन कौन सा था इस फिल्म में आपका? पहला सीन था जब मैं काजल जी के साथ आती हूँ, जब मैं इंट्रोडक्शन, हाँ इंट्रोडक्शन वो किडनैपिंग वाला, हाँ वही था। फिर उसमें ना, मतलब मैं भी अरुण सर से मैं डिस्कस करती थी, सर शायद मैं ना कर पाऊँ, या फिर अरुण सर भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, नहीं नहीं करता इंसान ही है, हो जाएगा, तुम कर लोगी, बहुत उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। आज सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सबको, कि सब लोगों का इतना प्यार मिला, पिक्चर देखने जा रहे सब, और इतना सपोर्ट मिला, तो मैं ये आगे इन फ्यूचर बोलना चाहूँगी कि मतलब जो लोगों को लेके भोजपुरी में लोगों को होता था कि भोजपुरी पिक्चर ऐसी होती है वैसी होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये लोगों को बोलना चाहूँगी आप जाके सब फैमिली के साथ ही पिक्चर देखें। बहुत ही अच्छी बनी हुई है, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उन्होंने निचले स्तर से सारी चीज़ें सोच के, एक्टिंग से ले कर सारी चीज़ों को भली बात समझ के और एक नई चीज़ें लेके मार्केट में आते हैं, और इस समय जवाहिर राजा तो धूम मचा ही रही है पब्लिक, और ये देख के भीड़ ऐसा लग रहा है कि ये सुपर जाने वाली है। क्या शुभकामनाएँ करने वालों को, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, भोजपुरी देखने वाले सभी लोगों से अपील करता हूँ को अपना प्यार बनाए रखें और जवाहिर राजा को सुपर दें। उनको यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा देखें इसको, और सबसे बड़ी चीज़ की जो भोजपुरी को अलग अलग कमियाँ थी, मैं एक अलग एक्सपेरिमेंट किया हूँ जो कि आप देखने के बाद मालूम चलेगा, और लोगों के मन से एक डर निकलना चाहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री गंदी है या फिल्में गंदी बनती हैं, एक बार जाएँ वो और थिएटर तक पहुँचे, देखें, और उनको अच्छा एक मैसेज भी हम दे रहे हैं सामने कि किस तरह से आज जो सिचुएशन चल रहा है उसको हमको किस तरह से हटाना है, किस तरह से आज जो चाहे दहेज की बात हो, किस तरह से उसको हमको जो है वो करना है। तो मैं यही बोलूँगा कि उन लोगों को जो प्यार मिल रहा है इसी तरह से मिलता रहे, और उन लोगों की भी परिवार को लेके चलना कैसे होता है, तो इस फिल्म में बहुत से अच्छे छोटे छोटे मैसेजेस हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ यूट्यूब का वेट मत कीजिए कि कब आएगी ये फिल्म यूट्यूब में, क्योंकि काफ़ी सारे फैंस होते हैं जो पूछते हैं यूट्यूब पर कब आ रही है। तो जब प्रोड्यूसर इतने पैसे खर्चा करता है तो ये यूट्यूब में देखने के लिए नहीं होता है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारे सिनेमा भोजपुरी इंडस्ट्री को, और प्लीज़ आप सब हॉल में आइए, थिएटर में आइए, आपके जो भी नज़दीक सिनेमा घर होगा वहाँ जाइए और अभी तो सिर्फ झांकी है, पूरा यूपी बिहार बाकी है। अभी तो हमने गुजरात और मुंबई रिलीज़ किया है, और ये सच कहा काजल ने कि आप यूट्यूब का वेट मत करिए महाराज, हम 70mm के लिए फिल्म बनाते हैं, उतने छोटे मोबाइल के लिए फिल्म नहीं बनाते, वो तो बहुत बात की बात है। तो हम आपका और इस बात का वादा है कि इस फिल्म में आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आप बगले झाँके या परिवार के साथ नहीं जा सकते, अरुण जी ने खूबसूरत फैमिली फिल्म बनाई है, तो इसको जाके देखिए, आपको फिल्म एंटरटेन करेगी, बहुत जल्द फिल्म बिहार, यूपी और दिल्ली और पूरे इंडिया में आने वाली है। तो प्लीज़ जब भी आपके शहर में फिल्म लगे तो नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएं और फिल्म का मजा लें। लम थी मेरी, सबसे पहले तो मैं अरुण भैया के चरणों में प्रणाम और धन्यवाद दोनों देना चाहता हूं। मैं कभी अपने लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं फिल्म में जाऊँ, बहुत अच्छे कलाकार हैं, कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये लोगों ने इतना प्यार दिया कि आज मैं वो बयां नहीं कर सकता हूँ, और सब लोगों से अपील करूँगा कि पारिवारिक फिल्म है, आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं, और आगे जब तक जीवन रहेगा मैं भैया के साथ काम करने के लिए वादा करता हूँ, और भैया के साथ काम करूँगा, भैया का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे पास,
बाकी मेरी जो पूरी टीम है मैं सबको हाथ जोड़ करके एक बार प्रणाम करूँगा और बाकी जब तक मैं रहूँगा भैया के साथ काम करूँगा। छोटा सा रोल किया था, नेता का पीए था मैं, लेकिन आगे बड़ा करूँगा ऐसा अंदर से मेरी इच्छा है, अगर भैया ने मुझे आशीर्वाद दिया तो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.